बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालत-ए-आलिया के वकला की फहरिस्त में अलामा इकबाल का नाम कब शामिल हुआ था? सही जवाब है 30 अक्टूबर 1908 में। इल्तजा मुसाफिर के उनवान से नज़म अलामा इकबाल ने कहाँ पढ़ी थी? सही जवाब है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। इल्तजा मुसाफिर के उनवान से नज़म अलामा इकबाल ने कब पढ़ी? सही जवाब है 1 सितंबर 1905 को। अलामा इकबाल ने नालाए फराक के उनवान से नज़म कब लिखी? सही जवाब है प्रोफेसर आर्नल्ड के रिटायरमेंट पर इंग्लिस्तान रवानगी के मौका पर। अलामा इकबाल ने लाहौर में सबसे पहले किस मोहल्ले में रहायश इख्तियार की? सही जवाब है अंदरूने भाटी गेट। अंग्रेजी और अरबी के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा नंबर लेने पर अलामा इकबाल को कौन सा मेडल मिला? सही जवाब है खलीफा मोहम्मद हुसैन एचिसन मेडल। अरबी के इम्तिहान में अव्वल आने पर अलामा इकबाल को कौन सा मेडल मिला? सही जवाब है जमालुद्दीन मेडल। अलामा इकबाल ने बीए में फलसफा की तालीम किन से ली? सही जवाब है प्रोफेसर ओशरावर लाला जियाराम। अलामा इकबाल के सुसर का नाम क्या था? सही जवाब है डॉक्टर अता मोहम्मद खान। अलामा इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान किस शहर के सेंटर में दिया? सही जवाब है गुजरात। अलामा इकबाल को स्कॉच मिशन हाई स्कूल सियालकोट में किसने दाखिल करवाया था? सही जवाब है मौलवी मीर हसन ने। अलामा इकबाल सबसे पहले किस मकतब में दाखिल हुए थे? सही जवाब है मकतब मोहल्ला शवाला।